कश्मीर का अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में मीडिया कवरेज थोड़ा अलग रहा है, अलग चीज़ें हाईलाइट हुई है, बट हम अब लिटरेचर कल्चर हेरिटेज को हाईलाइट करना चाहते हैं। कश्मीर बहुत रिच है इन सब चीज़ों में और वो हमारा मेन मुद्दा है, कश्मीर का लिटरेचर कल्चर और हेरिटेज को हाईलाइट करना। अगर शायरी हो, अच्छे लफ्ज़ हो, वो अगर कश्मीर के ना हो तो फिर क्या बात बनी। बहुत खूबसूरत जगह है और मैं इतनी खुश हूँ कि अपनी किताब को लेकर यहाँ कुमाऊँ लिट फेस्ट में आ सकी, जो कि सुमन बत्रा जी ने ऑर्गेनाइज किया है। कश्मीर तो कल्चरली हिस्टोरिकली बहुत एक रिच जगह है और ये लास्ट 30 ईयर्स से थोड़ा जो डिस्टर्बेंस रही है इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा डिरेल हुई है, बट इन फेस्टिवलों के आने से वी शुड गेट इट बैक और जितने भी हमारे अपने यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं उनको हमको एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी अच्छे अच्छे राइटर्स, काफ़ी फेमस लोग हैं, ऑथर्स हैं जो यहाँ पे आएंगे, तो ये एक शुरुआत है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है टू एनरिच द होल थिंग। द कुमाऊँ लिट फेस्ट इज़ वन ऑफ दोज लिट फेस्ट्स विच deliberately rotates around the country, goes to different places. It is not restricted to Kumaon. It has gone to Goa earlier and now it has come to Srinagar. I think it's extremely important that such a kind of Lit Fest is held, particularly because Lit Fests also focus on the tradition, the history, the legacy of that particular region.